ओम नमो वेंकटेश्वराय नमः। आज के इस वीडियो में हम भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पुण्य क्षेत्र तिरुपति जाने की पूरी पूरी जानकारी, पूरा टूर प्लान, ऑनलाइन बुकिंग से लेकर एकोमोडेशन बुकिंग, दर्शन पास, किस साइट में बुकिंग कराना है, क्या नए गाइडलाइंस है जो टीटीडी ने अभी रिलीज किए हैं, सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तिरुपति जाने के बाद हमें किस प्रकार दर्शन करने हैं, किस काउंटर से टिकट लेना है, कहाँ हमें स्कैन कराना है, ऐसी कई यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो अंत तक बने रहे। अगर आप इन आसान तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपकी यात्रा बिल्कुल सुखद हो जाएगी और आसानी से आप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकेंगे। तो चलिए यात्रा की प्लानिंग शुरू करें। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि तिरुपति कहाँ है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है और तिरुपति में पहाड़ों के ऊपर भगवान वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है। उन पहाड़ों को तिरुमला बुलाया जाता है। तिरुपति से घाट रोड से होते हुए हमें तिरुमला पहुंचना होता है। लगभग 14 किलोमीटर यानी 45 मिनट से लेके 1 आवर तक लग जाता है आपको तिरुपति से तिरुमला पहुंचने में। तो सबसे पहले हमें तिरुपति शहर पहुंचकर उसके बाद वहां से तिरुमला जाना होता है। अब प्लानिंग की बात करें तो हमेशा दर्शन करने के लिए जो लोग बाहरी स्टेट से आते हैं, उत्तम तरीका है ऑनलाइन दर्शन पास लेने का। और दर्शन पास के साथ साथ ऑनलाइन एकोमोडेशन भी आप बहुत ही आसानी से टीटीडी साइट से करा सकते हैं। तो टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप ऑनलाइन दर्शन पास और एकोमोडेशन बुक कराते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है तिरुमला में या तिरुपति में स्टे करना। टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर दर्शन आपको कौन से दिन चाहिए और किस प्रकार का एकोमोडेशन चाहिए, यहाँ आपको स्लॉट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुक कराना होता है। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अपने गवर्नमेंट आईडी प्रूफ को भी सबमिट करना पड़ता है। स्लॉट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको दर्शन पास मिलता है। साथ ही साथ टिकट में टाइम को भी मेंशन किया जाता है। टिकट में आपको टाइम और डेट बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। साइट में जाते ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप आसानी से स्लॉट के हिसाब से अपने हॉलीडेज को प्लान करते समय दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा 1-2 महीने पहले से ही आपको टीटीडी वेबसाइट को बार बार चेक करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि किस दिन आपको स्लॉट की अवेलेबिलिटी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अगर आप 2 महीना पकड़ के चले तो आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन टिकट, दर्शन पास और एकोमोडेशन भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। दर्शन टाइम के हिसाब से ही आपको एकोमोडेशन भी बुक कराना चाहिए। दोनों के लिंक टीटीडी वेबसाइट में आप करा सकते हैं। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट जरूर करें। तिरुपति में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है और उसका कोई खास सीजन से मतलब नहीं होता। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप पहले ही ऑनलाइन में अपने रहने की व्यवस्था कर ले। आपको टीटीडी के ही ऑनलाइन पोर्टल में ये सारी जानकारी, रूम्स की अवेलेबिलिटी, रूम्स किस प्रकार के हैं और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारे डिटेल्स आपको उपलब्ध हो जाएंगी। रूम्स काफी सुविधाजनक होती हैं और अपने बजट में फिट भी हो जाती हैं। मिनिमम ₹50 से लेकर भी रूम्स उपलब्ध हैं और वो भी अलग अलग स्लॉट में। तो आप अपने हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से रूम्स बुक कर सकते हैं। लेकिन दर्शन टाइम और उसके आगे वाले दिन ही आपको स्लॉट अवेलेबिलिटी प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो उसी हिसाब से आपके दर्शन टाइम के हिसाब से आपको एकोमोडेशन स्लॉट मिलता है, जिसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ एक पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस दिन भी आपको दर्शन का टाइम दिया जाता है उसके पहले वाले ही दिन आप एकोमोडेशन बुक करें, ताकि आपको पहले वाले दिन और दर्शन के दिन 2 दिन आप आराम से रूम में रह सके, उसकी व्यवस्था हो पाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दर्शन टाइम कभी कभी अर्ली मॉर्निंग भी मिलता है, इसीलिए बिना
हड़बड़ाए, आप अगर पहले ही तिरुमला पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाता है। नीचे तिरुपति में भी बहुत सारे होटल्स हैं जहां पर आप आराम से रह सकते हैं। यहां पर थोड़ा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, लेकिन तिरुमला के पहाड़ों पे आपको बहुत ही नॉमिनल और आपके बजट के हिसाब से रूम्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग कराना है, ऑफलाइन में भी आप टिकट्स और एकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको घंटों लाइन में वेट करना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला के घाट रोड जाने के लिए पहले स्टॉप अलीपिरी टोल गेट है, जहां पर आपको दर्शन टिकट और आईडी वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ ही आपके टिकट को स्कैन भी कराया जा सकता है। अगर स्लॉट उपलब्ध है तो आपको ऊपर जाते समय तक आपके मोबाइल पर एकोमोडेशन के सारे डिटेल्स आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर आप टिकट स्कैनिंग नहीं हुआ है तो आप ऊपर तिरुमला में सीआरओ ऑफिस के ऑपोजिट एआरपी काउंटर पर भी अपना टिकट स्कैन करा सकते हैं एकोमोडेशन के लिए। वहां आपको थोड़ी देर ठहरने के बाद आपको एकोमोडेशन के बारे में पूरी डिटेल्स प्राप्त हो जाती है। अगर किसी कारणवश आप एकोमोडेशन ऑनलाइन बुक नहीं करा पाए तो भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पर आप जाकर ऑफलाइन यानी तब के तब एकोमोडेशन प्राप्त कर सकते हैं, अगर अवेलेबिलिटी और ज्यादा रश नहीं है तो। अगर आप ऑफलाइन फ्री एकोमोडेशन चेक करना चाहते हैं तो आप जीएनसी टोल गेट, बालाजी बस स्टैंड, राम बगीचा रेस्ट हाउस, एमआरसी, ये सारे काउंटर्स पर एक बार आप चेकआउट जरूर करें, आपको सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। एमआरओ ऑफिस 24/7 खुला रहता है तिरुमला में, आप वहां जाकर भी फ्री एकोमोडेशन के लिए बात कर सकते हैं। डॉर्मिटरीज भी रहती हैं जहां पर आपको एक गद्दा और लॉकर भी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी कारणवश ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक नहीं करा पाते तो इन काउंटर्स पर जाकर आप एक बार इंफॉर्मेशन गैदर जरूर करें, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको रूम्स अलॉट कर दिया जाता है। ये थोड़ा रिस्की प्रोसेस है क्योंकि जो लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उन्हें रश और रद्दी का एहसास नहीं होता, और जब तिरुमला पर जाते हैं तब उन्हें अचानक से इतना ज्यादा भीड़ देखना पड़ता है। तो पहले ही अगर आप ऑनलाइन में बुकिंग करा लेते हैं तो आपको आसानी से दर्शन हो जाता है और असुविधा भी फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि फैमिली और बच्चों के साथ में घंटों लाइन में वेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो था फ्री एकोमोडेशन। अब समझते हैं कि फ्री दर्शन पास कैसे हमें प्राप्त हो सकता है बिना ऑनलाइन बुकिंग के। आपको हर बस स्टैंड तिरुपति के या तिरुमला में आसानी से बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको फ्री दर्शन पास मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड गोविंद राजू सत्रम, अलीपिरी के पास भूदेवी कॉम्प्लेक्स, बालाजी बस स्टैंड के पास वाले कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको फ्री दर्शन पास यानी सर्व दर्शनम पास मिल जाते हैं, जो कि आप उसी दिन जिस दिन आपको दर्शन चाहिए होता है उस दिन आपको देने की कोशिश की जाती है, और वो भी रश को देख के, यानी कि अगर भक्त ज्यादा नहीं है तो आपको उसी दिन भी दर्शन पास मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि तिरुपति हम कैसे पहुंचे। तिरुपति रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही ध्यान रखें, अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक करा के रखा है और वो एकोमोडेशन तिरुमला जो कि तिरुपति के घाट रोड से होते हुए पहाड़ों के ऊपर है, तब आपको तिरुपति स्टेशन से बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट बसेस और ऑटो रिक्शास मिल जाते हैं जहां से आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो तिरुपति बस स्टैंड भी बहुत ही आसानी से आपको हर मेजर सिटी से कनेक्टेड मिलेगा। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स को चेकआउट करें, मैं सारे डिटेल्स उसमें दे दूंगी। तिरुपति एयरपोर्ट रेनीगुंटा में स्थित है जो कि 15 किलोमीटर दूर है। वहां से भी आपको बहुत सारे प्राइवेट बसेस, गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स प्राप्त हो जाएंगे
जहाँ से आप तिरुपति से तिरुमला आसानी से पहुँच सकते हैं। तिरुमला पहुँचते ही ध्यान रखें, आपको हमेशा भगवान वराह स्वामी के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए, उसके बाद ही बालाजी भगवान के दर्शन करने चाहिए। श्री वराह स्वामी का मंदिर 3 किलोमीटर दूर है तिरुपति मंदिर से, तो वहां से आप पहले दर्शन करने के बाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करें। श्री वराह स्वामी के मंदिर में ज्यादा रश नहीं रहता, इसीलिए आसानी से ही आपके दर्शन हो जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन टाइम को ध्यान में रखकर आपको कम से कम 1 घंटा पहले ही लाइन में लगना चाहिए, जहां से कई सारे क्यू कॉम्प्लेक्सेस में धीरे धीरे लाइन बढ़ती है। अगर भीड़ ज्यादा है तो क्यू कॉम्प्लेक्स में बैठने की व्यवस्था भी है, जहां आपको पानी, चाय, कॉफी, स्नैक्स और रेस्ट रूम्स की सुविधा भी उपलब्ध है। फिजिकली हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन के सुविधा के लिए उन्हें डायरेक्ट दर्शन का अवसर भी प्राप्त होता है। TTD की व्यवस्था से आपको बिल्कुल भी दर्शन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। दर्शन के बाद आपके दर्शन पास टिकट से आपको एक लड्डू फ्री में मिलता है, जो आपको लड्डू काउंटर जो मंदिर के बगल में है वहां से प्राप्त हो जाता है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा लड्डू भी खरीद सकते हैं। खाने पीने के लिए भी कई सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हजारों की संख्या में भक्त श्रीवारी उचित अन्न प्रसादम केंद्र, जिसे श्री ताड़ीगोंडा वेन्नमाम्बा के नाम से भी जाना जाता है, सुबह नाश्ता से लेकर रात के खाने तक निशुल्क यानी फ्री में आपको खाना दिया जाता है। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और हाइजीनिक भी होता है, और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का प्रसाद मानकर बहुत सारे लोग कम से कम 1 बार का खाना यहाँ जरूर खाते हैं। ध्यान रहे, तिरुपति में तिरुमला जाने के लिए घाट रोड को सुबह 4 से लेकर रात 12 बजे तक ही खोला जाता है, इसीलिए अगर आप ऊपर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो टाइम का ध्यान अवश्य रखें। और अगर आपका एकोमोडेशन तिरुपति यानी कि नीचे है, तो आपको 12 बजे के अंदर अंदर ही अपने रूम्स में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो घाट रोड बंद हो जाता है और आपको असुविधा का सामना करना पड़ता है। उसी तरह आपको अगर तिरुपति से ऊपर तिरुमला जाना है तो 6 बजे के बाद विजिबिलिटी अच्छी रहती है और रिस्क भी कम रहता है, वो टाइम चुने जिससे आसानी से आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच सके। TTD के ऑफिशियल साइट में कोविड प्रोटोकॉल्स के जो नियम है वो बदलते रहते हैं, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करें। हो सके तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 2 डोसेस के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप पास रखें, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो तिरुपति जाने के 3 दिन पहले कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आप अपने साथ जरूर रखें। तिरुपति में घूमने समय आपको फ्री बसेस भी मिल जाएंगे, जहां आप निःशुल्क आसपास के जगह बहुत ही आराम से घूम पाएंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको तिरुपति के आसपास कौन से देखने लायक प्रदेश हैं पूरी जानकारी और अपडेट्स के साथ आएंगे और आपको फ्री डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बालाजी भगवान के भक्तों तक यह वीडियो पहुंच पाए।